आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गुजरातियों की फेवरेट डिश हांडवा। और आज हम जो हांडवा बनाएंगे वो हम कोई भी कुकर में नहीं बनाने वाले हैं, हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है हांडवा का आटा। यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा हमने पीस लिया है। इसके अंदर मैंने कौन कौन सी चीज़ें डाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ पे 1 कप चोखा लिया था, यानी कि राइस लिया था। उसके सामने आधा कप चना दाल, 1/4 कप तुअर दाल एंड 2 टेबल स्पून यानी कि 2 चम्मच उड़द दाल, और 1 चम्मच आप मेथी भी भिगो सकते हैं जब हांडवा बनाए तब डालने के लिए, बट उसको पीसते टाइम नहीं डालनी है। इसमें सिर्फ 4 ही चीज़ जाएगी, और इसका हमने मोटा मोटा पीस के आटा रेडी किया है। उसके बाद जब भी आपको हांडवा खाना है उससे 7 से 8 घंटा पहले, ये आटे के अंदर थोड़ी सी खट्टी छाछ एंड पानी डाल के इसको फर्म होने के लिए छोड़ देना होता है। तो मैंने यहाँ पे 8 घंटे पहले हांडवों का ऐसे खट्टी छाछ के अंदर भिगो दिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से ये फर्म हो गया है, आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ इसमें थोड़ी खट्टी छाछ एंड पानी ही डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। तो बाकी की सारी चीज़ें हम अभी एक एक करके डालेंगे। तो सबसे पहले मैं लौकी डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है, यानी कि छन्नी से छीन लिया है। उसी के साथ हम डाल देंगे हरी मेथी 1 कप जितनी। उसी के साथ अभी सीजन है तो हरा लहसुन डाल देंगे, आधा कप जितना प्याज डाल देंगे छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ, हरा धनिया, और सारी चीजों को एक बार कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। फिर हम डाल देंगे मिर्ची। यहाँ पे मैंने मिर्ची 2 से 3 क्रश करके ले ली है। आपको जितना तीखा खाना है उतनी आप मिर्ची ले सकते हैं। उसी के साथ डाल देंगे थोड़ा सूखा लहसुन एंड अदरक का पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। हांडवे में हमने खट्टी छाछ डाली थी तो खट्टापन तो है, तो मीठा करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है गुड़ पाउडर। अगर आपके घर पे गुड़ पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे चीनी भी ले सकते हैं। उसी के साथ सारे सूखे मसाले, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी सी हींग एंड थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर। यहाँ पे मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ ताकि मुझे बैटर थोड़ा थिक लग रहा है तो थोड़ा पतला हो जाए, और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे हमारा जो हांडवा है वो अच्छे से फर्म हो, अच्छे से फूल है, उसके लिए मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा सोडा बाइकार्ब जो हम पकौड़ों में यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम डाल देंगे गरम किया हुआ ये तेल। यहाँ पे हमने ग्राउंड नट ऑयल लिया है कोल्ड प्रेस वाला, और इसको फिर से कर देंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे हम हांडवा कढ़ाई के अंदर बनाने वाले हैं, तो मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई को गर्म करने रख दिया है। अगर आपके घर पे हांडवा का कुकर है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं अविटस का ग्राउंड नट ऑयल। ये ऑयल के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, और हांडवा में ग्राउंड नट ऑयल बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। तो यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच तेल को गरम करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो सबसे पहले हम डाल देंगे सरसों के दाने एंड जीरा। उसके बाद हम डाल देंगे वाइट तिल, फिर हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, और उसी के साथ हम डाल देंगे यह हांडवा का बैटर। आपको जितना थीक हांडवा बनाना है उतना बैटर आप डाल सकते हैं, और बैटर को आप पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। अब इसको पूरा लो फ्लेम पे मैं ढक के छोड़ देती हूँ 8 से 10 मिनट के लिए बेक होने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हांडवा अच्छे से नीचे की ओर पक गया है, तो इसको पहले सारी बॉर्डर से हम ऐसे अलग कर देंगे। उसके बाद इसको आपको अगर स्पून से चम्मच से पलटाना आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही पलटा सकते हो। अब नीचे की साइड भी मैं फिर से छोड़ देती हूँ 5 से 7 मिनट बेक होने का, सॉरी कुक होने के लिए।
तो आप देख सकते हैं हमारा हांडवा नीचे की ओर से भी अच्छे से कुक हो गया है। तो गैस की फ्लेम को हम कर देते हैं बंद और हांडवे को हम निकाल देते हैं सर्विंग प्लेट के अंदर। ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। तो रेडी है हमारा गुजराती हांडवा।